सबसे पहले जो है यहाँ से हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे, वीडियो के लिए एडिटिंग करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद वीडियो को यहाँ पे उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो भी वीडियो है वो यहाँ पे प्ले होगी। अब इधर से स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें स्क्रेटिंग, वीडियो स्क्रेटिंग, आप कैसे मतलब बीच में से कोई वीडियो उठा के कहीं और उसको पेस्ट करेंगे, आपको रिमूव करके डिलीट कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होगा, ये स्प्लिट का ऑप्शन है, इधर से आप स्प्लिट से और जो भी इसका एंडिंग पोजीशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ तक आपको रिमूव करना है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को रिमूव करना है, तो यहाँ पे जाके एक स्प्लिट और कर दीजिए। अब देखिए फिर ये जो है ये स्प्लिट हो गया है। अब इसको आप आगे डाल दीजिए या पीछे डाल दीजिए, जहाँ चाहे आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको आप डिलीट के ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऊपर से ट्रैक करके इधर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स बाकी का पार्ट है वो यहाँ पे इधर से रिमूव हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है ट्रांजिशन। इसमें क्या है, जैसे ये देखिए आप अचानक से वीडियो वो हो गया, रुक के दूसरा आ गया। अब इसको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट लाने के लिए हम इसमें बहुत से इफेक्ट से वो डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला उठा के हमने डाल दिया इधर। अब आप इधर से देखिए वीडियो में थोड़ा सा चेंज होगा, ये इसी प्रकार से ये है। आप ऐसे रिप्लेस भी कर दीजिए तो ऑटोमेटिक रिप्लेस भी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका साउंड, हमें इसको अगर जैसे साउंड को हटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करके डीएचएट ऑडियो डीएचएट ऑडियो करेंगे तो ये जो है वॉल्यूम इधर से हट गई है, वीडियो से रिमूव हो गई। अब इसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हमें इसको अब डिलीट करना है। जैसे ये डिलीट करेंगे वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया। नेक्स्ट के बाद कोई दूसरी ऑडियो हमें इसमें ऐड करनी हो तो अगर हमें कोई एडिशनल वीडियो ऐड करनी है तो उस पर डबल टैप कीजिए। ये एक MP3 ऑडियो फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग किया यहाँ पर, चलिए आ गई इसकी ऑडियो। अब देखिए और यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन का, इसमें देखिए वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है और इसमें देखिए कितनी वॉल्यूम कम है। हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए राइट क्लिक करेंगे के बाद इसमें आप एक एडजस्ट ऑडियो करेंगे। एडजस्ट ऑडियो के बाद इधर देखिए आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है, इससे हम वॉल्यूम जो है अप या डाउन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इधर से जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा, तो ये हो गया आपका अप एंड डाउन। इस तरह से आप वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज है उसको हटाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव डी नॉइज करके आप जो भी बैकग्राउंड है वो वीक मेन फ्रेम या स्ट्रॉन्ग इस टाइप से आप उसको कर सकते हैं।
मैं ट्रेन में था, फिर गेट ये करने के बाद फिर जो भी बैकग्राउंड में आवाज है वो आपकी कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपन टेक्स्टिंग, मान लीजिए इस वीडियो में आपको कुछ सीखना है तो सपोज लेंगे आप टाइटल से, टाइटल से जाने के बाद आप जाएंगे ये ऐसा आएगा एंड इसको आके आपको इधर लाना है। इधर लाने के बाद ये देखिए इधर है, इसको चेंज करके लेते हैं हम सब्सक्राइब के जो भी पार्ट वो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। तो का साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, वीडियो में कहीं पे भी जहाँ भी आपको सुटेबल हो वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। उसके बाद आप इसको कितना दिखाना चाहते हैं, कितना सेकंड के लिए दिखाना चाहते हैं वो आप इसको रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रखा था ये वीडियो उतना ही चला, जो लिखा हुआ था वो उतना ही आया। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ मिनिमाइज करते उतना ही शो करेगा, फिर मैं इसको यहाँ तक शो करता हूँ। अब आप देखिए ये जो भी मैंने लिखा है ये यहाँ से और जहाँ तक ख़त्म होगा वहाँ तक शो करेगा। तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो फिर नेक्स्ट है कलर करेक्शन या ब्राइटनेस। अगर आपकी वीडियो कम लाइटिंग में हो या ज़्यादा लाइटिंग में हो तो उसको कम या ज़्यादा ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट उसको कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी सैचुरेशन वगैरह अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, शो प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कलर, कलर मैनेजमेंट में जाने के बाद आप लास्ट में देखेंगे तो टोन आ रहा है। टोन में देखिए कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, ब्राइटनेस है। अब ब्राइटनेस को अप या डाउन कर सकते हैं, सैचुरेशन कलर कितना गहरा चाहिए, कितना डार्क, उस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट उस हिसाब से आप जो है अपनी वीडियो को एडिट और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप ओके देन वीडियो विल बी चेंज।